हेलो फ्रेंड्स, नाम इनके पाकपो चेन स्टिच वो एपी सर्किल अप्ले पड़ला पाकल अद ना वो सर्किल वरजक ना वो फ्री हैंड ड्राइंग वरे स्टेंसिलो कायनो ये ना वो यूस पड़ क्या फ्री हैंड ड्राइंग नम्बर वो बेस्ट फर्स्ट सर्किल पोटाची एपी चेन स्टिच अभी पाकल सो नहीं सर्किल वो एंू ना स्टार्ट पड़ा ना वो इतना थ्रेट वो वेकेंट स्टिचस् स्टार्ट पड़ा एपयेमें स्टिचस् वेवन पड़ें मेलिए फालो पड़ी स्टिचस् वोन फालो पड़ी स्टिचस् अब सर्किल वो मेन नंबर लाइन कंडीपा फालो पड़ी आगनों अभी फालो पड़ेना इना अब चेन वो मारे उरुंडमारी सुरुंडुकुं चेन वो सुरुंगिडु क्लाथ वो सुरुंगिडु सो करेक्टा वो लाइन मेलिए सर्किल पोट्टिरुक्क अंत लाइन मेलिए वो स्टिचस् वो करेक्टा फालो पड़िटे वांगा तो ना पारें स्टिचस वो ईवन मेरी वो ना पटक सो करेक्टा पारें नानू लाइन मेलिएटक स्टिचस् वो अदारी वो स्टिचस् वो लाइन मेल फालो पड़को स्टिचस् वो ईवन इन पाक डिसेन वो अलग बाहर करेक्टा लाइन मेल फालो पड़े वो स्टिचस पाक ईवन अलग लाइन विन सर वन सर शेप वो अनईवन अदाम स्टिचस् वो मेरी उरुपन मेरी उल्लाथ वो सर्किल वो ये स्टार्ट पड़मो अडत वो फिनी पड़नों करेक्टा पारेंगे ना लाइन फॉलो पनी स्टिचस् मुड़िक्क पोरें करेक्टा अंद इडत्तुल ओरु स्टिच पोट्टुट्टु अंद इडत्तुलयुम नम्ब नॉट पण्णकूडादु अप्पडि नॉट पण्णोम्ना गैप विलुंदुरुम सो स्टिच्चुक्कुल्ल दान नम्ब वंदु नॉट पण्णनुम पारेंगे ना स्टार्ट पण्ण अंद फर्स्ट चेन स्टिच इरुक्कुल्ल अदुक्कुल्ल दान ना नॉट पोट्टुक्करें इंगे पारेंगे करेक्टा अंत सर्किल वो मेरी फिनी आने मारे अंत गैप कमे स्टिचस् पट्टा सर्किल वो फिनी आने और एफक्ट नम्बर अगर सेन्टर वो और गैप विदारी सर्किल पटे अटी पो सर्किल को ले सर्किल अंतमारी सर्किल वो नम्बर वो नया यूस पड़ो फॉर एग्जांपल वो एपड़ना और स्टोन वे स्टोन सुती और चेन आउटलाइन कोना नम्बर वो सर्किल शेप और बीड वे बीड सुती आउटलाइन को नम्बर यूस पड़ो अदर वो फ्लारोड सेन्टर नम्बर वो सर्किल पड़व नम्बर यूस आगो नरिया फ्री हैंड ड्राइंग वर फ्री हैंड ड्राइंग अप्लिक्यू वर्क पड़ोब नम्बर वो सर्किल वो कंपा नम्बर वो यूस आगो सो सर्किल वो फर्स्ट सर्किल वो चेन स्टिच कंडीपा प्राक्टिस पड़ूंग क्लाथ वो सुरुंगाम ना वो स्टिचस वोटक क्लाथ वो सुरुंगकूड़ा ये
இதில் வந்து நம்மளுக்கு அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா கிளாத் வந்து சுருங்கவே கூடாது. ஸோ கிளாத்து சுருங்குது அப்படின்னா நீங்கள் போடுற ஸ்டிச்சஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த லைன் மேலே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கரெக்டாக லைன் மேலேயே வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க. ஸோ கரெக்டாக என்னட்டு பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் ஆரம்பித்த ஸ்டிச்லேயே நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறேன். ஸோ என்னட்டு போட்டுக்கலாம். இனிமேல் செயின்குள்ளே ஒரு நாட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், பட் ப்ராக்டிஸ் எடுக்க எடுக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ மறுபடியும் நான் அதுலேயும் இன்னொரு குட்டி சர்க்கிள் போட்டு அதுலேயும் செயின் ஸ்டிச் போட்டு காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிள்குள்ளேயே சர்க்கிள் போட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்மளால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ சர்க்கிள் வச்சே நம்ம வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து பண்ணலாம். பேக் நெக் டிசைன் பண்ணலாம், ஸ்லீவ் டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ சர்க்கிள் பேஸ் பண்ணி நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் வந்து செயின் ஸ்டிச்சும் வந்து சர்க்கிளில் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஸ்லீவ் டிசைன், பேக் நெக் டிசைன்லாம் நம்மளால் ஈஸியாக ஃபினிஷ் பண்ண முடியும். வெறும் செயின் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஸோ Thank you for watching, friends. Bye.